दोस्तों, जो देश जितना ज्यादा अमीर होता है वहाँ के रहने वाले लोगों की सोच भी उतनी ही ज्यादा मॉडर्न होती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं फ्रांस देश की। यहाँ के लोग आपको खुलेआम सेक्स करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ किसी प्रकार की शर्म हया जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। जी हाँ, जहाँ लड़के लड़कियाँ 18 के बाद से ही लिविंग में रह सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको फ्रांस से जुड़ी कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी यही कहेंगे, ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फ्रांस जितना खूबसूरत देश है उससे भी ज्यादा खूबसूरत इस देश की राजधानी पेरिस है। शायद ऐसी कोई चीज होगी जो आपको यहाँ अपना दीवाना ना बना दे। वैसे पेरिस दिन में घूमने से ज्यादा रात में देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ काफी ज्यादा शानदार होती है। यहाँ सबसे ज्यादा पेरिसियन क्लब बार्स मौजूद हैं। फ्रांस के नौजवान लड़के और लड़कियाँ यहाँ आते हैं, और ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है, तो कभी यहाँ के नौजवान लड़के और लड़कियों को ऐसा कुछ करने में दिक्कतें नहीं होती। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि यहाँ लड़कियाँ कार तो सड़कों पर भी सेक्स करने को तैयार हो जाती हैं। जी हाँ, फ्रांस सड़कों पर यह होना आम बात है। और आपको ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि फ्रांस में विमेन यंग बॉयज को डेट करने के मामले में सबसे आगे हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ के स्कूल का कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है। वैसे तो यहाँ के स्कूल दुनिया के वेल एडुकेटेड स्कूल्स में गिने जाते हैं, जहाँ बच्चों को हिस्ट्री से लेकर दुनिया के बड़े बड़े मिस्टीरियस के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन इसमें अब सेक्स एडुकेशन भी शामिल है। लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ के स्कूल में कॉन्डोम के लिए भी वेंडिंग मशीन लगाई गई है। हालांकि इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आवाज भी उठाई, स्कूल में इस तरह वेंडिंग मशीन का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ने किसी की भी नहीं सुनी और कहा कि यहाँ के बच्चों को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, और तभी हमने स्कूल में इस तरह का अहम कदम उठाया है। वैसे यहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह के कई अजीबोगरीब रूल्स बना रखे हैं। अगर यहाँ किसी महिला के पति जरूरत से ज्यादा फुटबॉल देखता है या जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसकी पत्नी उसे तलाक दे सकती है। और यहाँ अगर कोई अपना काम खत्म करने से पहले विस्की या बियर पी लेता है तो उसे जेल तक हो सकती है। और यहाँ कोई रेलवे स्टेशन पर किस करता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी माना जाता है। इस तरह से कई रूल्स फ्रांस में बनाए गए हैं। और दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि फ्रांस बहुत ही खूबसूरत देश है जो घूमने के मामले में पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ लगभग हर साल 750 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के एक एक खूबसूरत जगह का तो मजा लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फ्रांस के नाइट लाइफ और यहाँ के लोकल कल्चर का भी मजा लेते हैं। आपको यही बता दें कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम भी एक अलग ही लेवल पर किया जाता है। यहाँ हर एक वैश्यालय को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है। यहाँ कोई भी लड़की चाहे वो प्रोस्टिट्यूट बन सकती है, बस उन्हें कुछ फ्रांस गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको फॉलो करने के बाद उनका बिजनेस घर से ही शुरू हो जाता है। वैसे इन्हीं सब कामों की वजह से फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ साथ सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाने वाले देशों में भी शामिल है। यहाँ घूमने आए 10 में से 9 टूरिस्ट यहाँ कॉल गर्ल्स के साथ हम बिस्तर होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सन 1965 से पहले यहाँ की महिलाओं के ऊपर कई तरह की पाबंदी थी, जैसे कि यहाँ की महिलाएं अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती थीं, अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती थीं, किसी लड़के के साथ लिविंग में नहीं रह सकती थीं। लेकिन सन 1965 के बाद से इस देश की महिलाओं के ऊपर से कई सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। आज ये देश और यहाँ की महिलाएं इतना ज्यादा बदल चुकी हैं कि आज ये अपने यहाँ मौजूद महिलाओं के कामों के लिए जाने जाते हैं। अब वो क्या काम है ये तो आप समझ ही गए होंगे, नॉटी बॉय कहेंगे। अब दोस्तों, इन सही बातों को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस एक सांस्कृतिक देश नहीं है, तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक दौर था जब फ्रांस की राजधानी पेरिस सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, लेकिन आज यही राजधानी अपने एक अलग नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है। इसे इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्रांस सरकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ की कोई भी मॉडल कुछ आपत्तिजनक करती है तो फ्रांस की सरकार को पूरा का पूरा हक होता है कि वो उसे जेल में डाल दे। इसके अलावा खाना वेस्ट करने को भी यहाँ काफी गंभीरता से लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ कोई औरत घूंघट या बुरका नहीं रख सकती, इस चीज को भी लेकर यहाँ की सरकार काफी सख्त है। बाकी ना ही कोई किसी के जेंडर को लेकर कुछ गलत बोल सकता है, ना ही मजाक उड़ा सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसे कम से कम 2 महीने की जेल भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, जब बात खाने की आती है तो इस मामले में हमारा भारत भी किसी से कम थोड़ी ना है। इंडिया में आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जहां नॉनवेज की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जुबान पर चाइना का ही नाम आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि फ्रांस में भी नॉनवेज बहुत शौक से खाया जाता है। यहां कहते हैं कि टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीजें खाई जा सकती हैं। यहां हर जानवर के हर हिस्से को बड़े शौक से खाया जाता है। यहां के लोग बहुत ही फूडी होते हैं, जिसकी वजह से यहां के लोग मोटापे से भी जूझ रहे हैं। यहां हर 4 में से 1 इंसान मोटापे का शिकार है। इसके अलावा यहां के लोग काफी डिप्रेस रहते हैं। यहां हर 5 में से 1 इंसान डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। वैसे महिलाओं से याद आया कि यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। एवो ग्रीन और मारियन क्वारियर जैसी खूबसूरत हॉलीवुड एक्टर फ्रांस से बिलोंग करती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि फ्रांस की लड़कियां 15 से 16 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। अब वो कैसे होता है भाई, ये तो उनको ही पता होगा। हमें तो बस इतना ही पता है कि 16 की उम्र के बाद अपनी वर्जिनिटी खोने के बाद यहाँ की एवरेज लड़कियां 26 साल की एज में शादी करती हैं। वैसे लड़कियों से ज्यादा है कि यहाँ की लड़कियां 18 की उम्र से लड़कों के साथ लिविंग में रहने लगती हैं।
दोस्तों आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ की 40% से ज्यादा आबादी भगवान पर भरोसा नहीं करती, हालांकि बाकी 60% जनता बाकी धर्मों को मानती है। यहाँ पर आपको सभी धर्मों के लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिल जाएंगे। दोस्तों फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 6,70,00,000 है। यहाँ के ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बाहर के होते हैं जो अलग अलग देशों से यहाँ रहने के लिए आते हैं। साथ ही फ्रांस की गवर्नमेंट ने यहाँ के मरे हुए लोगों के साथ भी शादी करने का रूल बना रखा है। जी हाँ, यहाँ पर भी ये रूल है। दोस्तों अगर सभी देशों की सोच फ्रांस देश की तरह हो गई तो वो दिन भी दूर नहीं जब लोगों को उनके शरीर पर पहने हुए कपड़े भी भारी लगने लगेंगे, और शायद यही कारण है जिसकी वजह से दुनिया की कई संस्कृति वाले देश इस देश से थोड़ा चिढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, और साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं।